10 साल पहले फारसी राजा डेरियस नहीं चाहता था कि यूनान आजाद रहे। वो हमें अपने पैरों पर झुकाने यूनान आया। समंदर के रास्ते उसकी हमलावर फौज मैराथन पहुंची। यूनानी रक्षकों के मुकाबले वो फौज 3 गुना ज्यादा थी। सुबह होने से पहले एथेनियंस ने अनहोनी कर दी। वो टूट पड़े। उन्होंने 1 महीने के समंदरी सफर से थके हुए फारसियों पर जहाजों से उतरते वक्त ही हमला कर दिया। उनके छावनी बनाने और सिपाहियों को हथियार बांटने से पहले ही उन पर टूट पड़े। पागलपन की वो रणनीति किसने बनाई? एक मामूली एथेनियन सिपाही ने, जिसका नाम था थेमिस्टिक्लीस। उसने फारसियों को एथेनियाई दरिंदगी का मजा चखा दिया। की सोच ना उम्मीदी में बदल रही थी। हजारों मरे, सैकड़ों उनके अपने थे। ये सब एक सोच के लिए हुआ, आजाद यूनान, जो लोकतंत्र नामक एक एथेनियाई प्रयोग था। क्या वो सोच इस लायक थी, इतनी कुर्बानियों के लायक? थेमिस्टिक्लीस ने फैसला राजा डेरियस पे छोड़ दिया। तभी मारकाट के बीच एक लम्हा आया और थेमिस्टिक्लीस ने उसे गवाया नहीं। एक लम्हा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। एक लम्हा जो उसे सिपाही से उठाकर सियासी ताकत की ऊंचाई पर ले जाएगा। एक लम्हा जो थेमिस्टिक्लीस को महान बना देगा। हालांकि उस पर तारीफों की बरसात हुई, लेकिन थेमिस्टिक्लीस का दिल जानता था कि उससे गलती हुई है। डेरियस का बेटा था ज़र्क्सीस, जिसकी आंखों में उसने इंतकाम की आग देखी थी।